हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो डेफिनेटली एक वेट लॉस रेसिपी है और उसे बनाने में 3 से 4 मिनट उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। बहुत हेल्दी है और उसके साथ साथ में बहुत टेस्टी भी है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जी हाँ, मैं वही एक्ट्रेस हूँ, उसके साथ साथ इमेज कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। तो आज जो रेसिपी मैं दिखाने जा रही हूँ वो ओट्स की रेसिपी है और मैं उसे बनाने के लिए कोकोनट ऑयल यूज करने जा रही हूँ। थोड़ा सा इन चीजों के बारे में आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा ऑयल यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड कॉम्प्रेस्ड कोकोनट ऑयल में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये जो ऑयल है ये हमारा जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके, इतने सारे कि मैं भी बोल भी नहीं सकती। बहुत सारा न्यूट्रिशन भी देता है, हमारे लिए काफी हेल्दी है इसलिए। और आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर हमें दूसरा तेल हजम करने में कुछ 26 स्टेप लगते हैं तो ये सिर्फ 3 स्टेप में ही हजम हो जाता है, इसलिए कोकोनट ऑयल आई रियली बिलीव इन इट। लेकिन अगर आपको फ्लेवर की प्रॉब्लम है, हालांकि जो ये कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जन होता है इसमें बिल्कुल भी कोकोनट ऑयल का फ्लेवर नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको नहीं मजा आ रहा है तो आप दूसरे कोई भी कुकिंग ऑयल में या ऑलिव ऑयल में बनाए। दूसरा हमारा ओट्स जो है वो भी एक इंग्रेडिएंट है। ओट्स इज फुल ऑफ फाइबर, बहुत सारा सोल्यूबल फाइबर होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, विटामिंस मिनरल्स होते हैं इसमें, हमारे स्टमक को फ्लैट भी काफी कर देता है क्योंकि बहुत सारा फाइबर होता है इसमें, गुड बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में होता है उसकी ग्रोथ प्रमोट करता है और अनलिमिटेड फायदे हैं ओट्स के। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खाने के बाद आपका पेट काफी देर तक भरा भी रहता है, बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि रोज आप लोग थोड़ा बहुत ओट्स जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं इजी एंड टेस्टी रेसिपी। तो पहले इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ आपको। कोकोनट ऑयल लिया है मैंने, ये जो चम्मच आप देख रहे हैं खाने वाला चम्मच, ये 1 चम्मच डालने वाली हूँ। उसके साथ ये थोड़ी सी हींग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हींग का फ्लेवर, हरी मिर्ची है, राई है, ये सब चीजें अंदाजे से डालनी है आपको, कड़ी पत्ता है, नींबू है आधा, और ये आधा कप ओट्स मैंने लिए हैं। नॉर्मल ओट्स जो होते हैं वो मैंने लिए हैं 1/2 कप। उसके साथ थोड़ा सा नमक और पिंच ऑफ हल्दी यूज करेंगे हम, साथ में हमें पानी भी चाहिए। हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई है, मैंने गैस को सिम पे कर दिया है और सबसे पहले मैं जो है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालने जा रही हूँ इसमें। वैसे फ्रेंड्स, कई लोग ये रेसिपी जो है बिल्कुल बिना ऑयल के भी बनाते हैं, बस जो ये दूसरे मसाले हैं जो अभी मैं इसमें डालूंगी चीजें वो ड्राई रोस्ट कर लेते हैं उन्हें। ये हो गया, सबसे पहले जो है तेल गरम होते ही हम डाल देंगे हींग, क्योंकि कढ़ाई गरम कर ली थी इसलिए लग रहा है मुझे तेल गरम हो ही गया है ऑलमोस्ट। ये मैंने डाल दी हींग, बहुत अच्छी खुशबू आती है हींग की। ये मैंने डाल दी राई, और फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको दिखानी भूल गई थी वो अभी दिखा देती हूँ, थोड़ी सी उड़द की दाल, ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखानी भूल गई थी सॉरी। इसके साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्ची और हमारा कड़ी पत्ता, हल्का सा हिलाएंगे इसको, थोड़ा सा ही ब्राउन हो जाए, ये सिम पे ही बना रही हूं अभी तक मैं, बस अब ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डलेगा डबल, जितने ओट्स लिए हैं हमने उसका डबल पानी। तो पहले पानी इसमें हम डालते हैं और उसके बाद जो है हम ओट्स डालते हैं, क्योंकि हमने 1/2 कप ये वाला ओट्स लिए थे, मतलब जो भी मेजर है उसका डबल पानी डालना है आपको। और पानी डालने के साथ साथ थोड़ी सी हल्दी, हरी मिर्ची उछल रही है। अब गैस तेज कर दीजिए और इसे बॉयल आने दीजिए। जैसे इसमें बॉयल आया तो हम जो है ओट्स डाल देंगे अपने, साथ में थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लीजिए, क्योंकि इसमें बाद में नींबू भी पड़ेगा इसलिए ये कम नमक में भी रेसिपी अच्छी बनती है। मैंने फिर गैस सिम कर दी और अब मैं इसे हिला रही हूँ, थोड़ा मीडियम पे गैस को रख दीजिए और अब इसे
बॉईल होने चाहिए। एक दो मिनट के अंदर देखिए कैसी यमी यमी रेसिपी तैयार हो जाएगी, आई मीन यमी यमी मसाला ओट्स तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का एम है आपको हेल्प करना हेल्दी हैप्पी सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ जीने में। अच्छा, तो हमारे कोच रेडी होने वाले हैं, बस एक मिनट हुआ होगा हमें बातचीत करते हुए, चलिए देखते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये आपको थोड़े थोड़े पतले पसंद है, जैसे पर्सनली मुझे पतले पसंद है, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए। मैं जरा सा पानी और डाल रही हूँ, मुझे थोड़े से ना ये पतले पसंद है। बस गैस तेज कर दी है मैंने, ये देखते देखते रेसिपी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, बारीक कटे हुए बीन्स, मटर या फिर गाजर, जो भी आपको पसंद हो। ये अगर सिंपल से जल्दी बनाना है तो ये बहुत अच्छी। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे ये कंसिस्टेंसी पसंद है थोड़ी इसकी। आप जो है वो अगर जब भी आपका चटपटी चीज खाने का मन करे, एक बार बना के खा के देखिए, मजा आ जाएगा। अब मैं गैस बंद करूंगी और उसके बाद नींबू निचोड़ूंगी। ये मैंने इसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ दिया, ज्यादा खट्टा अगर आपको पसंद है तो आप पूरा निचोड़ लीजिए। नींबू है वो हम गैस बंद करने के बाद ही निचोड़ते ताकि उसका फ्लेवर एकदम ऊपर रहे। मेरी तो ये बहुत फेवरेट रेसिपी है, ब्रेकफास्ट में मुझे दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। कभी जल्दी से शाम को भूख लगी होती है, जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो तो भी खाती हूँ, या अर्ली इवनिंग मतलब 7-8 बजे की जो भूख होती है ना, तब खाना हो तो भी खा लेती हूँ। बहुत टेस्टी है, आप प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा उसे, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय गुड हेल्थ।